आदरणीय सभापति जी, सदन में सीएए पर चर्चा हुई है। यहां बार बार ये बताने की कोशिश की गई है कि अनेक हिस्सों में प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाई गई, जो हिंसा हुई उसी को आंदोलन का अधिकार मान लिया गया। बार बार संविधान की दुहाई, उसी के नाम पर अनडेमोक्रेटिक एक्टिविटी को कवर करने का प्रयास हो रहा है। मैं कांग्रेस की मजबूरी समझ आती है, लेकिन केरल के लेफ्ट फ्रंट के हमारे जो मित्र हैं उनको जरा समझना चाहिए। उनको पता होना चाहिए आने से पहले कि केरल के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि केरल में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुपों का हाथ होने की बात उन्होंने विधानसभा में कही है। यही नहीं, उन्होंने कड़ी कार्यवाही की चेतावनी भी दी है। जिस अराजकता से आप केरल में परेशान हैं, उसका समर्थन आप दिल्ली में या देश के अन्य हिस्सों में कैसे कर सकते हैं? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो कुछ भी कहा जा रहा है, वो जो प्रचारित किया जा रहा है, उसको लेकर सभी साथियों को खुद से सवाल पूछना चाहिए। क्या देश को मिस इन्फॉर्म करना, मिसगाइड करना, इस प्रवृत्ति को हम सब ने रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? क्या ये हम सबका कर्तव्य है कि नहीं है? क्या हमें ऐसे कैंपेन का हिस्सा बन जाना चाहिए? और मान लीजिए किसी का राजनीतिक भला होने वाला नहीं है, मान के चलिए, और इसलिए ये रास्ता सही नहीं है, मिल बैठ करके जरा सोचें कि हम सही रास्ते में जा रहे हैं क्या, और ये कैसा दोहरा चरित्र है। आप 24 घंटे अल्पसंख्यकों की दुहाई देते हैं, बहुत शानदार शब्दों का उपयोग करके कह रहे हैं, आनंद जी को अभी मैं सुन रहा था, लेकिन अतीत की गलतियों के कारण पड़ोस में, अल्पसंख्यक शब्द आपको बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं, पड़ोस में अल्पसंख्यक जो बन गए उनके विरुद्ध जो चल रहा है उसकी पीड़ा आपको क्यों नहीं हो रही है? देश की अपेक्षा है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर लोगों को डराने के बजाय सही जानकारी दी जाए, ये हम सबका दायित्व है। हैरानी की बात यह है, विपक्ष के अनेक साथी इन दिनों बहुत उत्साहित हो गए हैं। जो कभी साइलेंट थे आजकल वायलेंट हैं। सभापति जी का असर है। लेकिन मैं आज चाहता हूं कि इस सदन बड़े वरिष्ठ लोगों का है, तो कुछ महापुरुषों की बातें मैं आज जरा आपको पढ़कर एक बताना चाहता हूं। पहला बयान है, दिस हाउस इज ऑफ द ओपिनियन दैट इन व्यू ऑफ द इनसिक्योरिटी ऑफ द लाइफ प्रॉपर्टी एंड ऑनर ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज living in the eastern wing of Pakistan and general denial of all human rights up to them in that part of Pakistan, the government of India should, in addition to relaxing restrictions in migration of people,
belonging to the minority communities from East Pakistan to Indian Union also consider steps for enlisting the world opinion. ये सदन में कही गई बात है. अब आपको लगेगा ये कोई जनसंघ के नेता ही बोल सकते हैं, ये तो कौन बोल सकता है ऐसे ही? उस समय तो भाजपा था नहीं, जनसंघ था, तो उन्होंने सोचा होगा जनसंघ वाला बोल सकता है. लेकिन ये वक्तव्य किसी बीजेपी या जनसंघ के नेता का नहीं है. उसी महापुरुष का एक दूसरा वाक्य मैं बताना चाहता हूं. उन्होंने कहा है, जहां तक ईस्ट पाकिस्तान का ताल्लुक है, उसका यह फैसला मालूम होता है कि वहां से नॉन मुस्लिम जितने हैं सब निकाल दिए जाएं. वह एक इस्लामिक स्टेट है, एक इस्लामिक स्टेट के नाते वह यह सोचता है कि यहां इस्लाम को मानने वाले ही रह सकते हैं और गैर इस्लामी लोग नहीं रह सकते. लिहाजा हिंदू निकाले जा रहे हैं, ईसाई निकाले जा रहे हैं. मैं समझता हूं कि करीब 37,000 से ऊपर क्रिश्चियंस आज वहां से हिंदुस्तान में आ गए हैं, बुद्धिस्ट भी वहां से निकाले जा रहे हैं. ये भी किसी जनसंघ का आप भाजपा के नेता का वाक्य नहीं है. और सदन को मैं बताना चाहूंगा, ये शब्द उस महापुरुष के हैं जो देश के प्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक रहे हैं, वो श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी के वाक्य. अब आप उनको भी कम्युनल कह देंगे, आप उनको भी हिंदू हिंदू और मुस्लिम के डिवाइडर कह देंगे. ये बयान, ये बयान लाल बहादुर शास्त्री जी ने संसद में 3 अप्रैल 1964 को दिया था. नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे. तब धार्मिक प्रताड़ना की वजह से भारत आ रहे शरणार्थियों पर संसद में चर्चा हो रही थी, उसी दरमियान शास्त्री जी ने ये बात कही थी. आदरणीय सभापति जी, अब मैं आदरणीय सदन को एक और बयान के बारे में बताता हूं, और ये खास करके मैं मेरे समाजवादी मित्रों को विशेष रूप से समर्पित करता हूं, क्योंकि शायद यही है जहां से प्रेरणा मिल सकती है. जरा ध्यान से सुने. हिंदुस्तान का मुसलमान जिए और पाकिस्तान का हिंदू जिए, मैं इस बात को बिल्कुल ठुकराता हूं कि पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान के नागरिक हैं, इसलिए हमें उनकी परवाह नहीं करनी है. पाकिस्तान का हिंदू चाहे कहां का नागरिक हो, लेकिन उसकी रक्षा करना हमारा उतना ही कर्तव्य है जितना हिंदुस्तान के हिंदू या मुसलमान का. ये किसने कहा था? ये भी किसी जनसंघ भाजपा वाले का नहीं है, ये श्रीमान राम मनोहर लोहिया जी की बात है. हमारे समाजवादी साथी हमें माने या न माने, लेकिन कम से कम लोहिया जी को हम नकारने का काम न करें, यही मेरा उनसे आग्रह है.